साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री राहुल गांधी जी आजकल यात्रा पर निकले हैं और अपनी यात्रा के संदर्भ में वो जम्मू कश्मीर में भी आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की जनता श्री राहुल गांधी जी से कुछ सवाल पूछना चाहती है, जिसके जवाब श्री राहुल गांधी जी को देने होंगे। श्री राहुल गांधी जी को बताना होगा कि भारत के विभाजन के लिए कौन जिम्मेवार है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो सत्ता के लालच में किसने, किस खानदान ने भारत के विभाजन की अनुमति दी थी? और श्री राहुल गांधी जी को यह भी बताना पड़ेगा कि क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग से कानून, अलग से झंडा और अलग से यहां प्रधानमंत्री की अनुमति दी। एक देश में एक कानून होता है, एक देश में एक झंडा होता है, हर एक देश में एक प्रधानमंत्री होता है, लेकिन क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने, जिनका वो महिमा मंडप करते हैं, उन्होंने देश की आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में अलग से कानून दिया? क्या कारण थे कि राहुल गांधी जी के खानदान ने जम्मू कश्मीर में अलग से झंडा दिया? और क्या कारण थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल गांधी जी के खानदान ने अलग से प्रधानमंत्री दिया? क्या कारण थे कि जम्मू कश्मीर में परमानेंट सिस्टम दिया गया? भारतीय जनसंघ और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके बलिदान ना दिया होता और आज राहुल गांधी जी भी जम्मू कश्मीर आते तो उनको भी परमिट की जरूरत पड़ती। परमिट एक प्रकार से पासपोर्ट जैसे, में आने के लिए राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम लगाया था। आज भारतीय जनसंघ के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बलिदान है। आज श्री राहुल गांधी जी 26 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा झंडा लहराने की बात करते हैं। आज तो वो तिरंगा झंडा लहराने की बात करते हैं, परंतु श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा क्या कारण था कि तिरंगे के अलावा उनके खानदान के नेताओं ने, जो जिन्होंने देश पर राज किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर में 70 साल अलग से यहां झंडा दे के रखा, अलग से कानून। आज श्री राहुल गांधी जी देश के कानून की बात करते हैं, लेकिन 70 साल श्री राहुल गांधी जी की पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर देश का कानून लागू नहीं होने दिया। श्री राहुल गांधी जी को इन सारे सवाल पड़ेंगे। गांधी जी, जो राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी थे, उन्होंने जब देश के अंदर पंचायती राज लागू किया, क्या कारण थे कि 40 वर्ष तक देश के पार्लियामेंट में पास होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट 73
और 74th अमेंडमेंट क्यों लागू नहीं की गई, यह जम्मू कश्मीर की जनता श्री राहुल गांधी जी से सवाल पूछती है। जम्मू कश्मीर की जनता श्री राहुल गांधी जी से सवाल पूछती है कि क्या कारण थे कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों को उनके हक नहीं दिए गए। पूरे देश में गुज्जर बकरवाल जो एसटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी। जम्मू कश्मीर में श्री राहुल गांधी जी की पार्टी और श्री राहुल गांधी जी के खानदान के लोगों ने गुज्जर और बकरवाल लोगों के राइट्स, उनके अधिकारों का हनन किया। क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हक नहीं दिए, इसके क्या कारण थे? क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल जी के खानदान के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर दलित समाज के लोगों को उनके हक नहीं दिए? महिलाओं को जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल कांग्रेस की सरकारों के दौरान अधिकार नहीं मिले। पश्चिम पाकिस्तान से आए डॉक्टर मन तो देश के प्रधानमंत्री बन गए। क्या कारण था कि 70 वर्ष तक जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित रेफ्यूजीज को यहां जम्मू कश्मीर में अधिकार नहीं दिए गए, उनको नागरिकता नहीं दी गई 70 साल कांग्रेस की हुकूमत के दौरान? श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से 1947-65 और 71 में जो विस्थापित जो रेफ्यूजीज आए, क्यों उनको अपने हकों के लिए 70 साल दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, दर दर भटकना पड़ा? जम्मू कश्मीर के अंदर हम सबको याद है कि जब श्रीमान अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा जो कोलकाता से शुरू हुई थी और लाल चौक में तिरंगा फहराया जाना था, उस वक्त दिल्ली में श्री राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में भी श्री राहुल गांधी जी की पार्टी के सहयोग से यहां सरकार चल रही थी। तिरंगा झंडा लेकर जम्मू कश्मीर में आए श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी और स्वर्गीय अनंत कुमार जी को और हजारों भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था जिनके हाथ में तिरंगा झंडा था। क्या कारण थे युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगे झंडे थे, उनको कांग्रेस की सरकार ने, राहुल गांधी की पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया? ऐसे देशभक्त नौजवानों को श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर दलित समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज के लोग हों, उन्हें क्यों प्रताड़ित किया गया, उनके अधिकार